बाल ब्रह्मचारी सुखदेव मुनि के समान आज के तथा कथित त्यागी नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है इंद्र की अप्सरा रंभा को भी सुखदेव मुनि के सामने लज्जित होना पड़ा था। रंभा सुखदेव मुनि की परीक्षा लेने आई थी, अप्सरा को लज्जित होकर उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। त्याग की मूर्ति थे सुखदेव मुनि, इसके बावजूद उन्होंने एक गृहस्थी को अपना गुरु बनाया। उनके गुरु राजा जनक थे। सुखदेव मुनि सच्चे त्यागी तो थे ही, इसके अलावा वे परम विवेकी भी थे। वे यह भली भांति जानते थे कि मुक्ति की स्थिति मनोदशा पर आधारित है। गृहस्थ और संन्यास के चोले से मुक्ति का कोई भी संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल ब्रह्मचारी सुखदेव मुनि ने एक गृहस्थी को अपना गुरु बनाकर उन तथा कथित त्यागियों को मुँह पर तमाचा जड़ दिया। यह कहते कि गृहस्थी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, विरक्त वैरागी को ही गुरु बनाना चाहिए। ऐसी कथित त्यागी लोग काश सुखदेव मुनि से कुछ सीख पाते। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी के चरणों में मेरा साहेब को बंदगी।